सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर की सहकारी संस्थाओं के दिग्गज भविष्य में सहकारिता के रोड मैप को लेकर मंथन करेंगे। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इनसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों की भूमिका के बारे में बात की। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती है। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने में एफपीओ की अहम भूमिका को लेकर कहा। अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव्स ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। इसका फायदा भी सबसे ज्यादा छोटे किसानों को होगा। साथियों, हम अपने छोटे किसानों को एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित कर रहे हैं। छोटे किसानों के इन एफपीओ को सरकार जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। ऐसे करीब 9,000 एफपीओ काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के अवसर पर बोलते हुए
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले 3 वर्षों के दौरान नए मंत्रालय के गठन सहित सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला। आज की जो सहकारिता वर्ष की थीम है, सहकारिता सबकी समृद्धि के द्वार, वो थीम को 3 साल पहले मोदी जी ने अपने तरीके से सूत्रों में पिरोकर सहकार के समृद्धि के माध्यम से देश की करोड़ों महिलाएं, लाखों गांव और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला और बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित 75 साल के बाद देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय खोलने का निर्णय किया गया और ये निर्णय के बाद 3 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध नई गतिविधियां बनी हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी कई बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आज देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से सहकारी तंत्र में बदलाव आया है। गांव जंक्शन के लिए श्रेया सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।